गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज आप सभी के साथ इस सेशन में हम बनाना सीखेंगे बैगन का भरता। लेकिन स्पेशल क्यों है, क्योंकि मैं आई हूँ आसाम में और दीदी के जो होम किचन गार्डन है उससे लिए हुए बैगन से हम बनाएंगे बैगन का भरता। तो चलिए बनाना सीखते हैं। ये है मेरी सिस्टर का किचन गार्डन, इसी से हमने बैगन लिए हैं। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में आपको इसी गार्डन से ली हुई सब्जियों के साथ मैं अलग अलग रेसिपीज सिखाऊंगी जो कि बहुत ईजी होंगी। ये महाशय है, जब भी कुछ बनता है तो ये यहीं पे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुकिंग। तो यहाँ पे दो बैगन है जिसे मेरी सिस्टर ने पहले से चीरा लगा के इसमें लहसुन भर के अच्छे से सरसों का तेल लगाने के बाद अंदर लहसुन भर के इसे स्लो फ्लेम पे आपको अच्छे से रोस्ट करना है 15 से 20 मिनट। इसमें जल्दीबाजी ना करें क्योंकि बैगन का भरता का जो असली टेस्ट है ना इसी से आता है। ये बैगनी रंग के थे, थोड़ा सा ये रोस्ट होके कलर इनका चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से रोस्ट किया गया है। हम सिर्फ दो बैगन का ही बना रहे हैं क्योंकि अभी इस टाइम पे गार्डन से हमें आज दो बैगन ही मिले हैं, बाकी बहुत छोटे छोटे हैं। आसाम में ना बहुत तरीके के मेनली साग वगैरह ज्यादा खाया जाता है। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साग पता चला, जैसे लाई का साग हो गया जो हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है। तो आगे आने वाली वीडियोज में मैं आप सभी के साथ वो इंटरेस्टिंग रेसिपीज इसी पेज पे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है प्लीज कर ले इसी तरीके की और भी अपडेट्स के लिए। ये देखिए बैगन रोस्ट हो रहा है। इसी तरीके से ना हम टमाटर भी कर लेंगे। तो टमाटर में भी ऊपर से सरसों का तेल लगा ले। दो बैगन हैं अगर इस साइज के तो आप बड़े आकार के दो टमाटर या फिर मीडियम साइज के तीन टमाटर यूज कर ले, क्योंकि बैगन के भरते में टमाटर थोड़ा सा अच्छा लगता है खट्टेपन के लिए। जब तक बैगन भुन रहे हैं मैं आपको बाकी के वेजिटेबल्स दिखा दे रही हूँ। ये देखिए मैंने पहले से यहाँ पे तीन टमाटर रखे हैं, खूब ढेर सारे लहसुन पहले से काट के रखे हैं, हालांकि बैगन के अंदर भी हमने भरा हुआ है तो उसका मैशी फॉर्म जाएगा और ये चॉप करके हम तड़के में लगाएंगे जो मैंने कच्चा लहसुन काट के रखा है। तो दोनों की टेक्सचर और जो फ्लेवर है दोनों में काफी फर्क होता है। इस तरीके से जब आप दो तरीके से लहसुन यूज करते हो ना तो काफी चटपटा बनता है आपका बैगन का भरता। यहाँ पे आप काट के या फिर कद्दूकस करके अदरक ले सकते हो, ये भी काफी ज्यादा मात्रा में मैंने लिया है, 2 इंच के करीब अदरक को मैंने घिसा है। ये है फ्रेश धनिया पत्ता। दोस्तों यहाँ पे नींबू ना इस तरीके से आते हैं, इसे टेढ़ा या किसी नाम से टेढ़ा करके कुछ नाम से बुलाते हैं, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं कंफर्म करके बताऊंगी आपको कमेंट बॉक्स में। और अंदर रस जो हमारा पेपर नींबू होता है ना जो छोटे आकार के हमारे नॉर्थ इंडिया में मिलता है उससे थोड़ा सा कम ही होता है, हालांकि ये बड़े साइज का है, बट जो हमारे एक नींबू में जितना रस निकलता है इसके पूरे के पूरे नींबू में भी शायद उतना रस नहीं निकलता, थोड़ा सा ये कड़ा होता है। तो नींबू यहाँ पे इस तरीके से मिलते हैं। बाकी आपको लेनी है हरी मिर्च जो कि हमें यहाँ पे ये मिली है, तो आप इसको काली मिर्च तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये हरी मिर्च है, लेकिन ये थोड़े से काले रंग की मिलती है इस तरीके से। तो नॉर्थ इंडिया में तो हम हरी मिर्च ही यूज करते हैं, ये मिर्ची ही है बट थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है। तो चलते हैं आगे अपनी रेसिपी को बढ़ाते हुए। तो यहाँ पे जो बैगन और टमाटर था उसको छील के आपको फाइनली चॉप कर लेना है एकदम कीमे की तरीके से। ये प्याज मैंने काट ली है और ये नींबू है, ये छिलके के साथ इसका रस निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको संतरे की तरीके से आप छील ले उसके बाद ये इजीली हो जाएगा। और ये हमारे घर के बेसिक से मसाले हैं। सो भी बैगन का भरता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गया जीरे का तड़का, जब जीरा चटकने लगे तो उस टाइम पे हमें डालना है लहसुन और अदरक। पहले हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, हींग ऑप्शनल है, डाइजेशन में फायदा करता है, मुझे फ्लेवर भी पसंद है इसलिए डाल रहा है। अब यहां पे गया लहसुन, लहसुन के साथ अदरक और मिर्ची भी इसी पॉइंट पे डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा सा हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ब्राउनिंग जस्ट शुरू हुई है, बहुत ज्यादा लाल भी नहीं करना। इसी टाइम पे हम डाल देंगे प्याज। प्याज को भी लाल नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कि वो सॉफ्ट हो जाए उतना ही पकाना है। फ्लेम को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस टाइम पे। प्याज
प्याज को भूनने में थोड़ा सा 1 मिनट लग सकता है। भरते में प्याज को लाल नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस आ जाए, जिसे ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, वैसा हो जाए। ये देखिए प्याज एकदम अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब इस टाइम पे हम डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये गया धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं, मैंने हरी मिर्च से ही थोड़ा तीखा किया है, लाल मिर्च मेरे घर में थोड़ी कम ही यूज होती है। ये गया लाल मिर्च, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा हल्दी भी डाल रहे हैं। हल्दी कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, तो मर्जी है, बाकी एंटीऑक्सीडेंट होती है, फायदा ही करेगी, तो इसलिए डल गया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मसाले भूनने के बाद टमाटर, जो हमने भून के छिलका हटा के चॉप करके रखा है वो। तो ये गया टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद, हालांकि टमाटर पके हुए हैं, बट हम थोड़ा सा इसे भूनेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं टमाटर के साथ, और जो थोड़ी बहुत बची कुची कसर है वो पूरी हो जाए। बैगन की तरीके से टमाटर भूनने पे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपके भरते में। मैंने तो बैगन के अंदर लहसुन भर के जो पकाया था, तो लहसुन में भी स्मोकी फ्लेवर है, टमाटर में भी स्मोकी फ्लेवर है, बैगन में तो है ही है, और लहसुन का अलग से तड़का भी डाला है। दैट्स वाई आपका जो भरता बनेगा वो एक्स्ट्रा स्मोकी फ्लेवर का बनेगा। ये देखिए टमाटर पकते हुए 3-4 मिनट हो गए। अब इसी पॉइंट पे हम डाल देंगे जो हमने बैगन को भून के उसको भरता बना के रखा है, वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं डंडी के साथ यूज कर रही हूँ, मुझे डंडी पसंद है बैगन के भरते में। जिन लोगों को नहीं पसंद है वो निकाल भी सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है अपने बर्तन में। ये गया मैश किया हुआ बैगन, थोड़ा सा ना लटपटा टेक्सचर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि टमाटर और बैगन थोड़े ज्यादा सूख गए, तो आप थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं ऐसा टेक्सचर लाने के लिए, उसी कटोरी में जिसमें से हमने बैगन और टमाटर डाला है इसमें, ताकि सारे फ्लेवर एक साथ आ जाए। अब इसको बस भूनना है, ढक के भी पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सारी चीजें पकी हुई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वादानुसार। यहाँ पे दीदी के पास अमचूर पाउडर नहीं है, तो उसकी जगह हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेमन जूस डालेंगे, नींबू का रस। बाकी अगर अमचूर पाउडर है, इसी टाइम पे आप अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच के जितना ऐड कर दें, एकदम चटपटा बन जाएगा आपका बैगन का भरता। भरता ऑलमोस्ट बनने वाला है, तो इसी टाइम पे हम डाल देंगे नींबू का रस। यहाँ पे जो नींबू मिला था, इसको टेंगा बोलते हैं, टेंगा मतलब खट्टा ना, तो खट्टा मतलब यहाँ पे कोई भी चीज खट्टी उसको टेंगा बोलते हैं। मैं मार्केट जब गई थी सब्जी मंडी यहाँ के, तो बहुत सारी चीजें थी जिसको वो लोग इशारे से टेंगा टेंगा बोले, तो मेरे को लगा टेंगा नाम के बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। एक्चुअली टेंगा का बेसिक मतलब होता है खट्टा। ये देखिए कितना बड़ा नींबू है, बस नींबू का रस चला गया इसमें। और ये गया सीक्रेट इंग्रेडिएंट, कोई सा भी अचार का थोड़ा सा मसाला। मेरे पास मिर्ची का अचार था, यहाँ पे अचार का मसाला डालने पे आपका जो भरता है एकदम अलग टेस्ट आता है, और मतलब इसके साथ आपको भरते के साथ फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं, इतना चटपटा ही हो जाता है। खट्टे मीठे अचार का मसाला ना डालें, खट्टा अचार कोई सा भी हो घर पे, तीखा अचार, खट्टा अचार, तो आम के अचार का मसाला डाल सकते हो, नींबू के अचार का डाल सकते हो, मिर्ची का डाल सकते हो, बट किसी मीठे अचार का मत डालना। ये देखिए भरता ऑलमोस्ट रेडी है, सबसे लास्ट में आपको ऊपर से खूब ढेर सारे धनिया पत्ते डालने हैं और आपका भरता रेडी है। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, सबसे लास्ट में गया खूब ढेर सारे धनिया पत्ते। धनिया पत्ते में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं, और ये हमारा क्विक टेस्टी सुपर टेम्पटिंग बैगन का भरता रेडी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन डू लाइक शेयर एंड फॉलो।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।